नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे बीसीईसीई के बारे में कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट की करवाया जाता है और साल के कौन से मंथ में एग्ज़ाम लिया जाता है और इसका एडमिट कार्ड कब आता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब भराया जाता है और क्या क्या मतलब कट ऑफ होता है, क्या कैसे कैसे रिजल्ट आता है और आप इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं पता है कि बीसीईसीईबी क्या है, तो मैंने इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना के रखा है, उसे आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ये जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन होता है, यानी आपको कंप्यूटर पे ये टेस्ट नहीं लिया जाएगा बल्कि पेन और पेपर पे लिया जाएगा ऑफलाइन। एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये जो बीसीईसीईबी है इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलता है? तो फ्रेंड्स, इसका एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा मार्च में निकलता है। मार्च में कोई भी वीक में निकल सकता है, आप ऑनलाइन इसका जो साइट है ऑफिशियल साइट उस पर जाके आप देखते रहें, मार्च में इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। और एडमिट कार्ड अप्रैल में आता है, 10 से 15 या 20 अप्रैल तक एडमिट कार्ड आ जाता है। और जो एग्ज़ाम होता है वो अप्रैल के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो जाता है। ओके, एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा और जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए वो सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें जो टोटल मार्क जो होता है वो 1200 होता है, यानी 1200 1200 1200 टोटल मार्क का ये एग्ज़ाम होता है। आपको 4 आवर 13 मिनट यानी 4 घंटा 30 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाता है अपना एग्जामिनेशन लिखने के लिए। और निगेटिव मार्क की बात कर लें तो फ्रेंड्स, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो उसमें एक निगेटिव नंबर आपका कटता है। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड आ गया और एग्ज़ाम हो गया। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो भाई, रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट आता है तो फ्रेंड्स, जो रिजल्ट आता है वो जून में आ जाता है, जून के स्टार्टिंग सप्ताह में या जून जून के लास्ट सप्ताह में, यानी जून में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा कंफर्म। वो बिहार की गवर्नमेंट ने अगर कुछ इसमें परिवर्तन की होगी तो आप उसके ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं। ओके, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जैसे कट ऑफ होता है, जैसे जनरल, ये कैटेगरी वाइज होता है, जैसे जनरल, ओबीसी, SC ST कैटेगरी वाइज इसमें कट ऑफ होता है कि इतना मार्क आपको आना चाहिए तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ओके, ये होता है कट ऑफ। तो जनरल की बात कर लेते हैं, जनरल का कट ऑफ जो है वो 50% है, यानी अगर 1200 का एग्ज़ाम है तो उसमें आपको 50% मार्क आना चाहिए अच्छा कॉलेज लेने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज। और भी ओबीसी और SC ST के लिए थोड़ा कट ऑफ कम होता है, आरक्षण है गवर्नमेंट के थ्रू, आपको तो पता ही होगा। तब अब मान के चलिए कि आपका जो है रिजल्ट आ गया और आपका कट ऑफ जो है वो भी अच्छा है, मतलब 50% से आपने ओवर, जितना कट ऑफ है उससे आपने ज़्यादा स्कोर ग्रहण किया, मतलब ज़्यादा स्कोर आपने प्राप्त किया, ज़्यादा लाया नंबर, तो उसके बाद क्या? उसके बाद आता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा गवर्नमेंट में, मतलब आपको कॉल आएगा काउंसलिंग के लिए और आपको काउंसलिंग के लिए कोई कॉलेज में या कहीं बुलाया जाएगा, आपको जाना होगा उसके लिए। तो काउंसलिंग में क्या क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। काउंसलिंग में होता है रजिस्ट्रेशन, पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब कट ऑफ हो गया, रिजल्ट हो गया, कट ऑफ हो गया, उसके बाद काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा कोई कॉलेज में, गवर्नमेंट के थ्रू ही बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा आपको, मतलब फॉर्म दिया जाएगा, उसमें चूज़ करना पड़ेगा कॉलेजेस, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कॉलेज चूज़ कीजिए, कौन कौन सी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं और ये सब। ठीक है, लिंग में होता है हैंड राइटिंग वेरिफिकेशन, यानी हैंड राइटिंग आपका मिलाता है। अब कैसे मिलाता है भाई, वो तो बिहार बोर्ड ही जाने, बिहार सरकार जाने, हैंड राइटिंग मिलाता है। क्या क्या करता है इसमें, हैंड राइटिंग वेरिफिकेशन में भी इसमें मतलब ऐड है। उसके बाद आता है फाइनल सीट अलॉटमेंट, यानी आपको फाइनल सीट दे दिया जाता है।
उसके बाद आपने जो कॉलेज चूज किया था वो आपके रैंक के अनुसार आपको दे दिया जाता है, मतलब अलॉट किया जा कर दिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आएगा, ये उसके उसे आप मतलब एक गवर्नमेंट के थ्रू एक लेटर आएगा, उसे आप रख लें, या ऑनलाइन सब काम होता है तो ऑनलाइन आप पीडीएफ में सेव कर लें, इस तरह का है। फिर जो है जो लेटर आपको मिलेगा, कलेक्ट द लेटर एंड रिपोर्ट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब जिस इंस्टीट्यूट मतलब आपने जैसे चूज़ किया 5-6 इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट ने आपको कट ऑफ मिलाया, आपका मतलब मार्क्स मिलाया कैसा कैसा है, उसके हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट दे दिया गया। तो गवर्नमेंट आपको एक लेटर देगी, अपॉइंटमेंट लेटर जिसे मान सकते हैं, कि मैं इसे परमिशन दे रहा हूँ, मतलब ये यहाँ यहाँ पास हुआ है, मैं इस कॉलेज में से एडमिशन के लिए अप्रूव्ड करता हूँ, इस तरह से वो बोल देगा। तो वो लेटर लिख कर देगा, वो लेटर आपको ऑनलाइन आएगा या आपको पोस्ट के थ्रू भी आ सकता है। उसके बाद आपको जो है वो लेटर को लेकर रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब जो इंस्टीट्यूट उन्होंने प्रोवाइड किया होगा वहाँ पर जाइए और लेटर दिखाइए, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फी पेमेंट, यानी इंस्टीट्यूट में जाइए, लेटर दिखाइए और 10+2 का मैट्रिक का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, ये सब प्रोसेस होगा। उसके बाद कैंडिडेट विल हैव टू गेट ऑल ऑफ देयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वेरीफाइड एट द अलॉटेड कॉलेज इन द स्टेप ऑफ BCECE काउंसलिंग 2019, ठीक है। यानी जो जो डॉक्यूमेंट आपने BCECE में मतलब मांगा था काउंसलिंग के लिए, जो जो मतलब डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा या खुद का पर्सनल डॉक्यूमेंट, आपको सब चीज़ लेके जाना होगा इस कॉलेज में जो प्रोवाइड किया जाएगा इस BCECE के थ्रू। दे विल ऑल्सो हैव टू पे द फी, यानी आपको जो उनका फी है, गवर्नमेंट में भी फी लगता है, जो उनका फी है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। फाइनल स्टेप ऑफ एडमिशन, यानी एडमिशन का फाइनल स्टेप यही है कि आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपका एडमिशन करवाना है, और ये जो लेटर अपॉइंटमेंट लेटर या जो भी लेटर जो गवर्नमेंट के थ्रू आपको आता है उसके लेके जाना है, और लास्ट में फी पेड करके आपको एडमिशन ले लेना है। फिर पढ़ाई करना है, इसमें पढ़ाई करने के बाद फिर आपको पता है क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।